नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। सनसेट ट्रेवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय हम इलाहाबाद की नगरी जो प्रयागराज नाम से जानी जाती है, वहाँ पे हम अकबर के किले के जस्ट बगल में खड़े हुए हैं, यमुना नदी के किनारे। और यहाँ पर बहुत पुण्य माना जाता है कि श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं और संगम स्थल पर स्नान करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। बहुत बड़ा माघ मेला का आयोजन होता है जो हर साल लगता है, और इसमें 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस बार मैं मेले से जस्ट 1 महीना पहले आया हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीछे बहुत सारी बोटें रेडी हो रही हैं, जा रहे हैं, जिससे माघ मेला शुरू होने तक ये श्रद्धालुओं को संगम पर स्नान करने के लिए ले जा सकें। और बहुत सारे लोग अभी भी बोटिंग कर रहे हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हैं बहुत सारे बोटें चल रही हैं। आप यहाँ पर 30 से 40 रुपये का बोटिंग चार्ज है, उसको लेकर के आप बोटिंग अभी कर सकते हैं। उसमें जो है श्रद्धालुगण आएंगे, रुकेंगे, साधु महात्माओं का प्रवचन सुनेंगे, उसके बाद मेले का आनंद लेंगे, फिर वो चले जाएंगे। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी आएं और मेले का आनंद लें। तो भाई, इस समय हम मेले के अंदर टहल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पीछे देखिए, यहाँ पे साधु महात्माओं का जो है तख्त वगैरह रखे गए हैं, इसमें छप्पर वगैरह हैं, और बहुत सारे सामान धीरे धीरे ये लोग ला रहे हैं जिससे कि अपना ये पूरा पंडाल सेट कर सकें। भाई ये देख सकते हैं हमारे पीछे मेले के ग्राउंड को किस प्रकार से लेवल किया जा रहा है ट्रैक्टर के द्वारा। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई प्रदूषण नहीं है और एक शांतमय वातावरण अभी से देखने को मिल रहा है। तो गाइस, आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी मात्रा में लोग अपना टेंट का सामान या कुछ दुकानदार लोग भी अपना सामान यहाँ पर लाए हैं, दुकान लगाते हैं अपनी अपनी, और यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस भी करते हैं। और यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान है, कूड़ा करकट बिल्कुल भी आपको नहीं मिले। रोड के लिए यहाँ पे लोहे के जो है सीट बैठाए गए हैं, आप देख सकते हैं उस पर लोग यातायात करने के लिए बना है, और इस पर 4-व्हीलर गाड़ियाँ भी आसानी से जा सकती हैं। और उसके पीछे हम जैसा कि देख रहे हैं, ये कंटेनर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये टॉयलेट्स के कंटेनर अभी बन रहे हैं। किस प्रकार से बन रहा है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। कंटेनर में देखिए, एक के बाद एक लगभग 50 से 60 की संख्या में एक एक जगह बना हुआ है, 200-300 मीटर के आस। बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल होने वाला है, तो पिछली बार से ज़्यादा अच्छी टॉयलेट की व्यवस्था इस बार है। ये इस समय हम संगम से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर हैं, जहाँ पर देख रहे हैं कि चौराहे पर बहुत सारे लोग भारी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और कुछ टूरिस्ट भी हैं। पुलिस अधिकारियों से बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ की लाइटें लग चुकी हैं, लेन करने वाला काम ये लगभग हो चुका है, और अभी कुछ मिट्टियाँ यहाँ पर पीछे डाली गई हैं बहुत सारी मात्रा में, देख रखे हैं, जो कि लेवल करने के लिए है। यहाँ पे स्टीमर भी चलाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, जो जल पुलिस जो है इसको मैनेजमेंट कर रही है। अगर कोई भी श्रद्धालु इसमें नदी में डूबता है, कुछ होता है, तो जल पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करेंगे, तो वो जल्द ही आपके पास स्टीमर लेके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मेले की सारी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं, बस पंडाल लगने बाकी हैं। तो गाइस, इस समय हम संगम स्थल पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर गंगा यमुना नदी जो है आपस में मिलती है। तो ये इलाहाबाद का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जिसका इतिहासों में भी बहुत नाम रहा है। और ये पीछे देख सकते हैं गंगा नदी में बोटिंग करने के लिए कितने सारे लोग इस संगम स्थल पर इलाहाबाद में आए। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति का माहौल है, और आप लोग भी मेले में यहाँ आए माघ मेले में। ये दो बोट की किस प्रकार से सफाई हो रही है, मेंटेनेंस काम चल रहा है, तो जिससे कि मेले के आरंभ होते होते ये सारी बोटें रेडी हो जाए
और श्रद्धालुओं को संगम स्थल पर नहलाने के लिए यहाँ पर बोटिंग के द्वारा भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है कि पैदल चलना मुश्किल। तो गाइस, माघ मेले का आरंभ हो चुका है, जिसमें आप ये देख रहे हैं ये ट्रैक्टर के द्वारा ये प्लेन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत ना हो, ये गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। गंगा नदी और यमुना नदी का संगम है संगम स्थली, जहाँ पर ये बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और ये देख रहे हैं पीछे बहुत सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग, नदी के बीच में एक टीला है जहाँ पर जाकर लोग स्नान कर रहे हैं। तो जल्द ही मेला शुरू हो जाएगा, आप लोग भी आइए यहाँ पे एंजॉय करें। तो ये संगम स्थली है, आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं। ये देखिए बीच में एक टीला सा है ऊपर, ये छोटा सा, जिसपे बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग कंटिन्यू नहा रहे हैं। धारा बहुत ही तीव्र है, जिसमें कोई भी आदमी जाएगा तो बह जाएगा, इसलिए ये गवर्नमेंट के द्वारा ये बाउंड्री लाइन बनी है, जिसको नहाना है इसके अंदर ही नहाए, इसके बाहर न जाएं। और इस साइड में काफ़ी पतला है, बट जिस साइड में उधर यमुना जी की साइड में फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा दूर में ये नहाने लायक स्थान है। माघ मेले में देख रहे हैं कि ये पांटून पुल बना है, इसे पीपा पुल भी कहते हैं। ये बड़े बड़े लोहे के कंटेनर टैंकर जैसे होते हैं, सिलेंडर की तरह, और इसको नीचे रख करके नदी के उस पार तक, देखिए आप, ये पांटून पुल बना है जिसके ऊपर से श्रद्धालु लोग नदी के आर पार जा सकते हैं, क्योंकि मेला दोनों साइड में बना हुआ है, इसलिए पांटून पुल बनाना जरूरी। तो गाइस, इस समय माघ मेले में किस प्रकार से पंडाल बन रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर आइए, बन के तैयार हो जाएगा, लगभग इसमें 15 से 20 दिन का समय लगेगा, उसके बाद ये रेडी हो।